बड़े सारे साल के सब कुछ नीचे पर चले गए थे। जब वो दुनिया से दूर गए थे अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्र भी हमारे हवाले किया, रोम भी हमारे हवाले की, ईरान और इराक भी हर एक समझ में शायद से कम नहीं हूँ। हर एक समझ मुसलमानों का खुद छुटा आसाना है, जहाँ भी ये मिले इलावा अपने शहरी के हकूक और इस तरीके से हमें अच्छा उठवाना जरूरी है। आज तक ये जुमा और ईद जिला शुभा इसका इमाम भी हर बंदा नहीं हो सकता, जरिए से उतार रहे उसके कुछ उसूल और जबते रखे हैं। अभी जुमा और ईद है, ये जो ईद उल गली साहब देखो मुद्दा तो किसी भी चाहिए सर ईद के इस खुशी वाले दिन मैं अपनी तरफ से कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, उमर साहब की तरफ से और हमारे ऑनरेबल जो MP मियां अल्ताफ लारवी साहब की तरफ से तमाम पुंछ के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि इस शहर में, इस मुल्क में, पूरी दुनिया में, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी हर जगह अमन चैन रहे और ख़ास करके फ़लस्तीन में जो बहुत जुल्म हो रहा है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐसे जालिमों को कायबाना जो है वो उनको सज़ा मिले और वहाँ पीस हो और जो बच्चे मारे जा रहे हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मैं आखिर में फिर से पूरे पुंछ के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माजी ईद यहाँ मरकजी ईद का पुंछ के अंदर अदा की गई और पूरी दुनिया के अंदर ये त्यौहार बड़े जोर व शोर के साथ मनाया जाता है। हमारी तरफ से जितने भी सुल्तान पुंछ हैं, जो भी हमें सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और इस मुकदस मौके के ऊपर हमारी तरफ से पैगाम यह है कि आम किया जाए और भाईचारा और इसी तरीके से हमें इनकम को देना यही है। ये सारी चीज़ें हमें माशरा समाज के अंदर आम करनी है, शिद्दत पसंदी जहाँ भी हो उसको दूर करना है। अल्लाह ताला हम सब काम करें।
ईद के मौके पे तमाम पुंछ वासियों को और बाकी भी जितने हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं अक्रॉस ग्लोब सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ईद जो है सबके लिए खुशियां लाए और सभी को सभी के घर में खुशहाली लाने के साथ साथ सबके जो इरादे हैं जो उनकी आगे की ख्वाहिशात हैं उनको भी पूरा करें। सर सिक्योरिटी के किस तरह के बंदोबस्त? देखिए मैंने पिछली बार भी एक बात बताई थी कि ईद या कोई भी त्यौहार जो है वो खुशी मनाने का त्यौहार है और मुझे लगता है कि इसमें लोग खुद से हमारी सिक्योरिटी के गारंटी होते हैं। हम तो जो हमारा फ़र्ज़ है वो पूरा करेंगे ही पर करेंगे, लेकिन साथ में लोग इतने खुशी से इस त्यौहार को भी या किसी और के त्यौहार को भी मनाते हैं कि पुलिस या और कोई सिक्योरिटी बंदोबस्त की मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसी सिलसिले में आपने देखा कि पुंछ में भी इतना अच्छा भाईचारा है जहाँ पे सिर्फ हमारी एक मौजूदगी, हम त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए इनके साथ में इकट्ठा होते हैं, बाकी हर जगह प्रेजेंस जो हमारे जवानों की है उनने भी ईद मनानी है, वो भी ड्यूटी भी कर रहे हैं और इस तरीके से मिलजुल के सिलसिला जो है चल रहा है। आज ईद उल जुहा के मौके पे मरकज़ी ईदगाह पुंछ में ईद की नमाज मुकम्मल की गई और मेरी तरफ से ज़िला इंतज़ामिया पुंछ की तरफ से तमाम पुंछ वासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को, हिंदुस्तान के रहने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी अब मिल के ये दुआ रखें कि इधर अमन शांति फैली रहे, भाईचारा बना रहे।